महिलाओं के बीच मोती यानी पर्ल से बने आभूषणों के प्रति आकर्षण हमेशा से रहा है। देश विदेश में मोती की बढ़ती डिमांड के मद्देनजर रांची के ग्रामीण इलाके से ताल्लुक रखने वाली संजू देवी ने एक नया प्रयोग करते हुए मोती की खेती शुरू कर दी है। खास बात यह है कि मोती की खेती के लिए किसी बड़े तालाब की जरूरत नहीं है, बल्कि एक छोटे से फौज में हजारों की संख्या में मोती की खेती संजू देवी कर रही हैं। कमाई के नजरिए से मोती की खेती काफी फायदेमंद है और इसी बदौलत संजू देवी अपनी पहचान बनाने के साथ साथ आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनने की राह पर चल पड़ी हैं। सबको जोहार, मेरा नाम है संजू देवी, मेरा गांव का नाम है ललगुटा, प्रखंड नगड़ी हुआ। मैं एक मोती का खेती कर रही हूँ जिससे मेरा आजीविका आगे बढ़े इसीलिए, और मैं मोती का खेती पिछले 6 महीना से कर रही हूँ, और इसमें कोई ज़्यादा कम लागत है, ज़्यादा लागत नहीं है, और कम लागत में ज़्यादा मुनाफा है, इसमें ज़्यादा परेशानी भी नहीं है। इसमें है कि हम उसको सुबह शाम अपना उसको पानी दे के और कहीं भी जा सकते हैं। इसमें अपना घर का आंगन में अपना छत ऊपर टैंक बना के कहीं भी हम मोती का खेती कर सकते हैं। उसका डिमांड भी बहुत ज़्यादा है, मोती का खेती से ज्वेलर्स बनता है, और विदेश में भी इसका बहुत ज़्यादा मांग है। रांची में तो बहुत कम, इसका मांग कम है, लेकिन विदेश में बहुत ज़्यादा मांग है इसका। इसीलिए मैंने सोचा कि एक यूनिक चीज़ करे और अपना मोती के लिए यूनिक चीज करे। आदमी गाय बकरी मुर्गी सब कुछ पालता है, लेकिन मैंने सोचा कि चलो एक हम यूनिक चीज करते हैं और मोती का खेती को ही हम अपनाते हैं। इससे मेरा आजीविका आगे बढ़े और मेरा घर परिवार भी इससे कुछ मतलब कि कुछ सहयोग मिले, इसीलिए मैंने इस चीज़ को चुना है। और मैं अपना गांव का अगल बगल जितना भी महिला समूह का दीदी लोग है उसको भी मैंने बोलती हूँ कि देखिए आप लोग भी मोती का खेती कीजिए, इसमें कम लागत है, ज़्यादा मुनाफा है। 50 रुपया करके एक पीस मिलता है, 300 रुपया करके ले जाता है। अब मैंने आत्मा जमताड़ा से संपर्क किया है और ये मोती का खेती शुरू किया है और अपना आजीविका को आगे बढ़ाने के लिए। स्वरोजगार के पुराने ढर्रे को पीछे छोड़कर संजू देवी ने जो मोती की खेती में कदम बढ़ाया है उससे इलाके की अन्य महिलाएं भी काफी प्रभावित हैं। प्रीति देवी उन महिलाओं में से हैं जो संजू देवी से प्रभावित होकर अब अपने दम पर कुछ नया करके समाज में एक अलग पहचान बनाना चाहती हैं। दीदी मोती का खेती कर रही है, बहुत अच्छा काम कर रही है, और इसको देख के हम लोग को लगता है कि हम लोग भी इसी तरह का कुछ एक अलग कुछ ही करें और अलग एक हम लोग का पहचान बने। और शिल्प का दीदी कर रही है तो शिल्प तो ऐसे भी बहुत, तो हम लोग दुकान में जाते हैं तो छोटा सा का अंगूठी का बहुत रेट बता देता है, बस वही देख के संतुष्ट कर जाते हैं, 5,000-10,000। लेकिन यहाँ दीदी को शिल्प का मोती का खेती करते हुए देख रहे हैं तो हम लोग को अंदर से आत्मा से बहुत खुशी होता है, और आत्मा से लगता है कि हम लोग भी कुछ करें और हम लोग का भी एक अलग पहचान बने, अलग नाम। घर के आसपास में मोती की खेती होना अन्य महिलाओं के लिए भी कौतूहल का विषय बना हुआ है। देवंती देवी उन पलों को याद करती हैं जब मोती की एक छोटी सी अंगूठी लेने के लिए उन्हें बड़े बड़े शोरूम में जाना पड़ता था और हजारों के दाम सुनने पड़ते थे। हाँ, मेरी दीदी मोती की खेती कर रही है और जिसे हम लोग देख के बहुत ही आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि पहली बार हम लोग मोती का खेती होते देखे। और जैसे कि हम लोग को मोती के देखने के लिए किसी शोरूम में जाना पड़ता था, उसके लिए बहुत कोई कहता था कि अंगूठी मोती का बहुत महंगा होता है कह के, और रियल में बहुत ही महंगा मिलता है। और जैसे सभी लेडीज़ लोग को लड़की लोग को हमेशा शौक रहा है और रहता ही है कि हम लोग मोती का सुंदर सा नेकलेस खरीदे, ज्वेलर पहने, चाहे अंगूठी भी पहने। लेकिन हम लोग तो पहली बार हम लोग सोचे नहीं थे कि मोती का खेती भी होता है, पर जब दीदी की खेती ना हम लोग घर में सामने उपजते हुए देख रहे हैं, ये देख कर हम लोग बहुत खुशी होती है। हौसलों से भरपूर झारखंड की आधी आबादी ने समय समय पर महिला सशक्तिकरण की मिसाल कायम की है। संजू देवी का नाम भी अब उन महिलाओं में शुमार होने लगा है जिन्होंने पुराने ढर्रे को छोड़कर खुद के बनाए रास्ते पर चलने का काम किया है। पत्थरों पर फूल खिलाने की बात आपने कई बार सुना होगा, लेकिन समंदर में होने वाले मोती को रांची की इन महिलाओं ने एक छोटे से हौज में पालन करके उपजा करके एक मिसाल कायम कर दी है, और यह मिसाल है कहीं ना कहीं महिला सशक्तिकरण की, महिलाओं के हौसले की और महिलाओं के सोच की।
तो खबरों के लिए बने रहिए एनबीटी के साथ, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।